रीवा कलेक्ट्रेट से फर्जीवाड़े के मामला का सामना आया है, जहां मध्य प्रदेश के ई कॉमर्स के माध्यम से सरकारी ऑपरेटर की व्यवस्था की जानी थी। जिस सिलसिले में नीलेश कुमार का नाम सामने आया, जो कि प्रयागराज का निवासी है, जिसने भोपाल के ई कॉमर्स के सलाहकार को फोन लगाकर खुद को रीवा डीएम बताते हुए और उनकी आवाज में बात की है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बड़े बड़े साइबर अपराध घटित हो चुके हैं। देखा जाता है कि लोगों के खाते से साइबर ठगी हो रही है। साइबर अपराध पर जिले की पुलिस अंकुश लगाने में असफल साबित हो रही है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब कलेक्टर के नाम से फ्रॉडगिरी की गई हो, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है आज के समय में किसी के साथ ऐसी वारदात घटित हो सकती है। अभी विगत दिनों पूर्व रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया था और परिचित के लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी। ई कॉमर्स में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को पकड़ने में सिविल लाइन और साइबर टीम की अहम भूमिका रही है। साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल ने बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए किसी भी प्रकार के फोन पर आई लिंक को टच न करें और न ही किसी अपरिचित लोगों के संपर्क में आए। नीलेश जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र ने उनको अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ किया है। इसमें दो प्रकरण पूर्व में भी विश्वविद्यालय थाना में और अन्य थाना में दो प्रकरण इसके इसी तरह के पूर्व में भी कायम है और उसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। ये आदतन अपराधी है, इसे आज जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा।